प्रश्न नौ, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 13 है और लंब के दिक अनुपात 4, माइनस 3 और 12 है। यहां हम जानते हैं कि समतल के अभिलंब रूप का समीकरण होता है Lx प्लस My प्लस Nz बराबर P। P तो यहां होता है मूल बिंदु से डाले गए समतल पर लंब की लंबाई और एल एम एन अभिलंब की दिक कोजाएं होती हैं। अब प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई तो है 13, अर्थात P बराबर तो यहां है 13 इकाई और दिक अनुपात हमें दे रखे हैं लंब के, तो अभिलंब के दिक अनुपात dr 4, माइनस 3 और 12 है, अर्थात एबीसी हमें 12 के बराबर, एबीसी हमें 4, माइनस 3 और 12 मिले हैं। तो हम दिक कोजाएं ज्ञात कर सकते हैं, एलएमएन ज्ञात कर सकते हैं। एल बराबर तो क्या हो जाएगा, 4 बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यदि ये एबीसी है तो ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एल का मान होगा। तो यहां क्या हो जाएगा, 4 बटे अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। कैलकुलेट किया तो मान आ गया 4 बटे अंडर रूट 16 प्लस 9 प्लस 144, ये मान हो गया 169, 169 का वर्गमूल अर्थात 13, तो मान आ गया 4 बटे 13। एम का मान निकालें, ये मान हो जाएगा माइनस 3 बटे, वही करना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मान आ गया 13, तो माइनस 3 बटे 13 एम का मान हो गया। एन का मान इसी प्रकार कितना हो जाएगा, 12 बटे 13। अब हमें एल एम एन के मान पता चल गए, तो समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, इसलिए समतल का समीकरण मान रख दिए 4 बटे 13 एक्स प्लस, ये माइनस है तो यहां पे माइनस ही ले लें, माइनस 3 बटे 13 वाई प्लस एन का मान है 12 बटे 13, तो 12 बटे 13 जेड बराबर 13। ये हमारा अभिष्ट समीकरण हुआ। प्रश्न 10, समतल x प्लस y प्लस z माइनस 3 बराबर 0 का इकाई अभिलंब सदिश ज्ञात कीजिए। दिए गए समीकरण को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, x प्लस y प्लस z बराबर 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। सदिश रूप में लिखें तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सदिश रूप में समीकरण हो जाएगा r डॉट I प्लस j प्लस k बराबर 3। ये सदिश रूप में समतल का समीकरण हुआ। अब हम जानते हैं कि अभिलंब रूप में जो सदिश समीकरण होता है समतल का, वो होता है r डॉट n के बराबर p। तो अभिलंब रूप में सदिश समीकरण होता है r डॉट n कैप बराबर p। यहां n कैप तो होता है अभिलंब का इकाई सदिश और p होता है मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई। तो यहां हमें जो ये वेक्टर मिला है i प्लस j प्लस k, ये वेक्टर n का मान है, हमें यहां n कैप निकालना होगा, वो इकाई अभिलंब सदिश होगा। तो यहां वेक्टर n बराबर मिला है i प्लस j प्लस k, तो n कैप बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है वेक्टर n अपॉन वेक्टर n का मॉडुलस, अर्थात i प्लस j प्लस k बटे अंडर रूट आई जे के गुणांकों का वर्ग करके उनका योग।
ये मॉडुलस एन का मान होता है, ये हो गया एक स्क्वायर और एक स्क्वायर का योग अर्थात अंडर रूट तीन। तो एन कैप का मान हो गया आई प्लस जे प्लस के बटे अंडर रूट तीन, ये हमारा एन कैप हो गया। और ये क्या है, इकाई अभिलंब सदिश, समतल के अभिलंब का इकाई सदिश है। तो इसलिए समतल के अभिलंब का इकाई सदिश बराबर हो गया, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक बटा अंडर रूट तीन ब्रैकेट में आई प्लस जे प्लस के, ये हमारा समतल के अभिलंब का इकाई सदिश होगा।